पोहा बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक आलू, दो प्याज, तीन टमाटर छोटे और कड़ी पत्ता और मिर्चों पे इतना मज़ा ना, क्योंकि मिर्चें तीखी नहीं हैं। अब मैं इनको जल्दी जल्दी चॉप कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने पोहा बनाने के लिए कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई को मैं थोड़ा सा पानी से वॉश कर दिया है, गैस पे चढ़ा दी। कटिंग तो आपने देख ली होगी, जो मैंने टमाटर प्याज काट लिए हैं। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए, इसका पानी जो है वो थोड़ा सूख जाए। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, इसका पानी सारा सूख चुका है, तो मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ थोड़ा। जब तक मेरा तेल गर्म होता है मैं पोहा को निकाल लेती हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया, इसमें अब मैं थोड़ी सी सरसों डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता भी डाल दी, और पहले कड़ी पत्ता डाल देती तो कड़ी पत्ता बहुत एक तो छीटे भी जाता है और बहुत सारा तेल भी पी लेता है। तब तक मैंने यहाँ पोहा ले लिया है अपने हिसाब से। अब इसको मैं थोड़ा गीला कर दूंगी, मैं ज़्यादा भिगो के नहीं रखती, क्योंकि मेरे को पोहा थोड़ा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। कई लोग पोहे में मूंगफली डालते हैं और मटर डालते हैं, वो ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और मटर अभी है नहीं, मूंगफली मुझे पसंद नहीं। इसमें अभी टमाटर और इसके साथ ही मैंने चिल्ली काटी थी, वो मैं इसमें ऐड कर दी। इसमें टमाटर डाले हैं तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा अभी, ताकि थोड़े जल्दी टमाटर गल जाएँ। अभी मैं थोड़े डाल दूँ क्योंकि इसमें आलू भी ऐड करनी होगी। ये नमक इसलिए डाला है ताकि आलू टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाए। आटा मेरा थोड़ा गल चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो यहाँ आलू भी मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर मेरा कई हद तक गल गया है अच्छे से। आलू भरी मसाले मसाले क्या ही रहेंगे। मैंने पहले थोड़ा ही नमक डाला था, उसके हिसाब से मैं अपनी अंदाजे से नमक बढ़ा रही हूँ थोड़ा, क्योंकि नमक आलू को भी गलाने में बहुत हेल्प करता है। नमक डाल दिया, ये मिर्ची, हल्का सा, मैं नाम के लिए हल्दी, मैं ज़्यादा पोहा में ज़्यादा टम नहीं डालती। आलू मेरे पक चुके हैं, अभी पोहा जो मैंने थोड़ा भिगोया था इसको मैं इसमें ऐड कर दूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा पोहा बनके बिल्कुल रेडी है। हरा धनिया इसके ऊपर से ऐड कर देती हूँ। ये हमारा पोहा बनके हो गया रेडी एकदम।